विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की टॉप न्यूज में। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा, हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी। एक साल में तैयार हुए वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के बावजूद भी ट्रेनों में सरकारी विज्ञापन लगे हुए हैं, लिहाजा कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र लिखकर कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी ट्रेन की बोगियों पर मध्य प्रदेश शासन की कई योजनाओं का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। ऐसे में यह साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन भी है। निर्वाचन आयोग ने शिकायत को गंभीरता से लिया और मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे रेलवे के अधिकारियों से इस विषय में बात करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करें। श्रीनगर में पदस्थ सतना जिले के 9वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान विनय सिंह का ड्यूटी के दौरान अज्ञात कारणों के चलते निधन हो गया। वे जिले के प्रतिष्ठित चुन गांव के निवासी थे। उनका गांव शहीदों के नाम से पहचाना जाता था। उनके देहावसान की दुखद खबर उनके गांव तक पहुंच गई, इससे गांव में मातम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ग्राम चून निवासी सेना के जवान विनय सिंह का श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया है। विनय सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में पदस्थ थे। इन दिनों श्रीनगर में तैनात थे। उनकी मृत्यु की वजह का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। सूत्रों के मुताबिक हार्ट अटैक से जवान विनय सिंह की मौत हुई है। बताया गया है कि उनका पार्थिव शरीर बुधवार को चून गांव पहुंचेगा। उज्जैन में घर के बाहर खड़ी बीएमडब्ल्यू कार जलकर कबाड़ हो गई। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना मंगलवार तड़के 4:30 बजे की है। शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित एके बिल्डिंग के पास सुनील कोटवानी रहते हैं। जिस समय उनकी कार में आग लगी तब वे और परिवार के लोग सो रहे थे। बाद में जब देखा तो सूचना फायर ब्रिगेड को दी। लपटे बिल्डिंग की बालकनी तक पहुंच गई। इस वजह से घर को भी नुकसान पहुंचा है। कार की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। विधानसभा चुनाव में भोपाल के बैंकों के करीब 2000 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अभी उन्हें शहर के 7 सेंटरों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। उनके ट्रेनिंग में व्यस्त होने से कई बैंक शाखाओं में तालाबंदी जैसी नौबत है। कई बैंक शाखाओं में ब्रांच में कार्य नहीं हो पाएंगे जैसी जानकारी भी चस्पा की गई है। दरअसल इन शाखाओं के सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसे लेकर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यानी SLBC ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, क्योंकि यदि वोटिंग के दौरान पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगेगी तो बैंकें लगातार 4 दिन तक बंद रह सकती हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आसाराम के समर्थकों की संस्था के एक कार्यक्रम में गाना गाते नजर आ रहे हैं। सतना सांसद व सतना विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह को भाजपाइयों की भीड़ के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत करने पहुंचना महंगा पड़ गया। कांग्रेस उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग जा पहुंची है। मुरैना जिले में बाजरे की फसल की बंपर आवक हुई है। मंडी में बाजरे से लदी सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच रही है। किसानों का कहना है कि बाजरा इस बार बहुत कम कीमत पर खरीदा जा रहा है। इतनी कम कीमत पर खरीदे जाने पर उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। बता दें कि प्रदेश भर में सबसे अधिक बाजरा मुरैना जिले में पैदा किया जाता है। इसके बाद सरसों का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर गेहूं की फसल आती है। इस बार भी जिले में बाजरे की फसल बंपर रूप में हुई है। किसान खुश थे कि इस बार उन्हें बाजरे की कीमत अच्छी मिल जाएगी। उनकी खुशी तब गायब हो गई जब बाजरे की कीमत 1900 से लेकर 2000 तक ही पहुंच सकी। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 3 दिसंबर को मतगणना के लिए इस बार भी हजारों सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें करीब 1000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी चुनावी ड्यूटी कैंसिल कराने के लिए आवेदन दिए हैं। अहम यह है, इनमें अधिकांश ने किसी न किसी बीमारी का हवाला देते हुए ड्यूटी करने में असमर्थता बताई है। 9 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने खुद की शादी का कारण बताते हुए ड्यूटी कैंसिल करने की गुहार की है।
उज्जैन के गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। आयोजकों ने बाकायदा इसके पोस्टर्स लगाए हैं, लिखा है गैर हिंदुओं का गरबा पंडाल में प्रवेश वर्जित है। सेवा ही संकल्प संस्कृति संस्था 5 साल से गरबा आयोजन करा रही है। पिछले साल के आयोजन में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।